देखिए आज जो है देर रात जो है एक फ्लैश फ्लड आया, बारिश थी उसकी वजह से जो है रिवर का ये लेवल एब्रप्टली नाले का लेवल राइज़ हुआ और उसके बरकत जो है एक अलामा इकबाल जो है यहाँ प्राइवेट अलामा इकबाल मेमोरियल स्कूल था 8th क्लास तक वो कम्प्लीटली जो है स्कूल वॉश आउट हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो है TRC कहरा को जो है डैमेज हुई है काफ़ी और लगभग 5 से 6 प्राइवेट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो वॉश आउट हुए हैं और ऐसे ही 7-8 स्ट्रक्चर्स का नुकसान हुआ है। खुशी की बात यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं है। अभी तक रोड्स भी डैमेज हुई हैं तो वॉर फुटिंग बेसिस पे जो है रेस्टोरेशन चल रही है। सुबह 5 बजे से ही एडमिनिस्ट्रेशन कैंप कर रही है। DC साहब और SSP साहब ऑलरेडी यहाँ का राउंड लेके जो है जा चुके हैं तो रिलीफ रेस्टोरेशन वर्क वगैरह जो है वो अभी चल रहा है। यहाँ फ्लैश फ्लड की रिपोर्ट आई थी अर्ली मॉर्निंग में, SDM साहब के द्वारा जानकारी दी गई थी कि ऊपर के एरिया से यहाँ पे फ्लड लाइक सिचुएशन हुई है और पब्लिक प्रॉपर्टी को कुछ नुकसान हुआ है, एक प्राइवेट स्कूल है उसको वॉश अवे हुआ है और साथ में TRC में कोई ग्राउंड फ्लोर के अंदर पानी आ गया है। इसके अलावा ऊपर में कहीं कुछ डैमेजेस भी हुए हैं, उसकी पूरी असेसमेंट शाम तक सभी मोबिलाइज हो गए हैं फील्ड स्टाफ हमारा, जहाँ जहाँ माली नुकसान हुआ होगा उसकी कंप्लीट असेसमेंट हो जाएगी। बाकी किसी की ह्यूमन लाइफ की कोई लॉस नहीं रिपोर्ट हुआ है और जो रिस्टोरेशन वर्क है उसके लिए इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं। आपके तमाम डिपार्टमेंट जो RNB PMGSY सारा काम में लग गया है, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट थी रिमूवल की, लैंडस्लाइड्स की और पस्सी की रिमूवल थी वहाँ काम हो चुका है और कुछ काम चल रहा है। तो लोगों से ये अपील की जाती है कि एहतियातन रहें, क्योंकि इस समय मौसम के अंदर इस तरह के फ्लैश फ्लड्स इस एरिया में आते हैं और एहतियातन तौर पर जब रात को भी जाएँ तो जो खासकर रिवर्स के अराउंड या नालास के अराउंड जो लोग हैं वो इसको एहतियात के साथ रहें और कभी भी कोई कहीं दिक्कत हो तो एडमिनिस्ट्रेशन आपके डिस्पोजल पे है। अर्ली मॉर्निंग से तहसीलदार SDM यहाँ कैंप कर रहे हैं और मैं और SSP साहब भी यहाँ आ गए हैं पर्सनली इस चीज़ का जायज़ा लेने के लिए। इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं और स्टाफ मोबिलाइज हो गया है, हमारा फील्ड स्टाफ असेसमेंट कर लेगा जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, घरों का नुकसान हुआ है, उसके असेसमेंट करके जितनी जल्दी हो सके उनको रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा।